सक्सेस प्लेटफॉर्म चैनल पर मैं गौतम शर्मा आप सभी भावी सिपाहियों का स्वागत करता हूं। अपने स्लोगन के साथ स्टार्ट करते हैं क्लास, खाकी वर्दी हमारी मंजिल। हिंदी प्रीवियसर क्वेश्चन सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम 26 अक्टूबर 2018 शिफ्ट सेकंड में पूछे गए प्रीवियसर क्वेश्चनों को एक्स्ट्रा फैक्टर डिटेल के साथ कवर करेंगे। प्यारे बच्चों, ये शिफ्ट सेकंड है, यहाँ पर शिफ्ट फर्स्ट गलती से लिखा गया है, क्लियर जी। 37 क्वेश्चनों को हम एक्स्ट्रा फैक्टर डिटेल के साथ कवर करेंगे। यदि आपने कंप्लीट क्लास देखी तो लगभग मानकर चलना 15 से 20 नंबर आपके आगामी एग्जाम में अच्छे से कवर होंगे, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एक क्वेश्चन के साथ कितने क्वेश्चन बन सकते हैं ये भी मैं आपको साथ के साथ कवर कराऊंगा। क्लास स्टार्ट करते हैं। यदि आपकी हिंदी की तैयारी बेहतर है तो इस क्लास में आपका फर्स्ट डिविजन होगा और मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सेप्टेड क्वेश्चन कवर करने को मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, वाच्य के कितने भेद होते हैं? सबसे पहला आपको पता होना चाहिए वाच्य के भेद होते हैं कितने, 3। कौन कौन से भेद होते हैं? नंबर एक होता है कर्तवाच्य। नंबर एक क्या होता है बच्चों? कर्तवाच्य। परिभाषा भी बताऊंगा, एग्जाम्पल भी बताऊंगा। इसमें कर्ता की प्रधानता होती है। कर्तवाच्य में नंबर एक जो कर्तवाच्य होता है, कर्ता की प्रधानता होती है। कर्ता की प्रधानता कैसी? उसने पुस्तक पढ़ी। अंतर भी समझना है साथ के साथ, उसने पुस्तक पढ़ी। नंबर दो आपका जो वाच्य होता है, क्या काम कौन सा होता है बच्चों? कर्म वाच्य। कर्म वाच्य, कर्म वाच्य क्या होता है बच्चों? इसमें कर्म की प्रधानता होती है। उदाहरण क्या होगा बच्चों इसका? जैसे पुस्तक पढ़ी जाती है, कर्म हो रहा बस पढ़ने का। जो तीसरा आपका वाच्य होता है, तीसरा वाच्य का विधि होता है भाववाचक। भाववाचक, भाववाच्य, इसमें भाव की प्रधानता होती है। उससे बैठा नहीं जाता या उससे पढ़ा नहीं जाता, उससे बैठा नहीं जाता। अब बात समझ में आई, वाच्य के तीन भेद, कर्तवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। कर्तवाच्य क्या होगा? कर्तवाच्य क्या होगा बच्चों? इसमें कर्ता की प्रधानता होगी, उसने पुस्तक पढ़ी। कर्मवाच्य, कर्मवाच्य में क्या होगा बच्चों? कर्म की प्रधानता होगी, पुस्तक पढ़ी जाती है। भाववाच्य में क्या होगा बच्चों? उसमें भाव होगा कि उससे पढ़ा नहीं जाता, उससे बैठा नहीं जाता। क्वेश्चन नंबर सेकंड, वह दिन भर पढ़ता रहता है, रेखांकित पद में अवयव का भेद बताओ। आपको यह बताना है दिन भर में कौन सा अवयव होगा। राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, दिन भर में होगा बच्चों निपात। वह दिन भर पढ़ता रहता है वाक्य में दिन भर निपात है। निपात क्या होता है प्यारे बच्चों? लगभग 80% स्टूडेंट होंगे ऐसे जो क्लास देख रहे हैं जिसे निपात के बारे में नहीं पता है। निपात का अर्थ अनेक होता है। निपात का अर्थ क्या होता है बच्चों? अनेक होता है, इसलिए निपात कहे जाते हैं। निपात का कोई लिंग वचन नहीं होता है, मूलतः इनका प्रयोग अवयवों के लिए होता है। क्लियर है जी? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड, कोष्टक में दिए गए विराम चिन्ह का नाम बताइए। आपको बताना है ये विराम चिन्ह कौन सा है। क्वेश्चन नंबर थर्ड का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, विस्मयबोधक। प्रश्नवाचक जो आपका चिन्ह होता है बच्चों वो कैसा होता है? ये आपका ऐसा होता है। बात करें अल्प विराम कैसा होता है, अल्प विराम ये होता है छोटा सा, कुछ देर के लिए ठहराओ। इसके बाद पूर्ण विराम को आपको सभी को पता है। एक आपका आता है योजक चिन्ह, योजक चिन्ह ऐसा लगा देते हैं छोटा सा माइनस। उद्धरण चिन्ह क्या होता है बच्चों? ये डबल वाला ब्रैकेट में जो लिखते हैं इसको क्या बोलते हैं? उद्धरण चिन्ह। क्वेश्चन नंबर फोर, बाल की खाल निकालना मुहावरे का अर्थ क्या है? क्वेश्चन नंबर फोर का आपका राइट आंसर होगा बहुत मीन मेक निकालना। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर फाइव, चार दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात लोकोक्ति का अर्थ क्या है? क्वेश्चन नंबर पांच का आपका राइट आंसर होगा थोड़े दिन का सुख। चार दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, इसका अर्थ होता है थोड़े दिन का सुख। पूर्ण जब कोई कथन बच्चों किसी प्रश्न विशेष में ना उद्धृत किया जाता है तो वो क्या कहलाते हैं? लोकोक्तियां कहलाती है। लोकोक्ति में वाक्य पूर्ण होता है जबकि मुहावरों में वाक्य पूर्ण नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सिक्स, साहित्य में रस का क्या अर्थ है? डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है रस वाला, मैं आपको कंप्लीट करा चुका हूँ प्लेलिस्ट, हिंदी की प्लेलिस्ट में जाकर देखना बच्चों, आपको बेहतरीन बेहतरीन कॉन्सेप्ट देखने को मिलेंगे। रस, छंद, अलंकार, संधि, समास, स्वरनाम, कारक, कुछ भी टॉपिक हो 10 मिनट में आपका हमेशा के लिए आपके माइंड में सेट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर छः का आपका राइट आंसर होगा साहित्य में रस का क्या अर्थ है, ये आपको बताना है। साहित्य की मिठास या किसी रस का आनंद या फिर किसी फल का स्वाद या साहित्य से मिलने वाली अनुभूति। क्वेश्चन नंबर सिक्स का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी,
साहित्य से मिलने वाली आनंदानुभूति। क्वेश्चन नंबर 7, दोहा छंद में कितने चरण होते हैं? दोहे छंद में राइट आंसर होगा ऑप्शन 4 चरण होते हैं। बच्चों छंद में मेनली 4 ही चरण होते हैं, लेकिन कुछ छंद में आपके 6 चरण भी होते हैं। क्लियर, दोहा छंद में 4 चरण होते हैं। ये एक अर्धसमात्रिक छंद होता है, दोहा अर्धसमात्रिक छंद होता है। इसमें प्रथम और तृतीय, इसमें प्रथम और तृतीय चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं, दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती है। क्लियर जी। श्री गुरु चरण सरोज रज निजमन मुकुर सुधारी बनु रवचारी, जैसे आपका ये एग्जाम्पल है ना, श्री गुरु चरण सरोज रज निजमन मुकुर सुधारी बरनहु रघुबर विमल जसूजो दायु कु फलचारी बुद्धिहीन तनु जान के सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरु क्लेश विकार। ये आपका दोहा छंद है इसमें। क्लियर है जी। क्वेश्चन नंबर 8, भाषा में शब्द का अर्थ की दृष्टि में सौंदर्य उत्पन्न करते हैं कौन करते हैं जी, आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 8 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अलंकार करते हैं जी। अलंकार भी मैं आपको ट्रिक अप्रोच के साथ कवर करा चुका, डिस्क्रिप्शन में जो प्लेलिस्ट में जाकर देखना है, एक वो प्लेलिस्ट में लगभग 20 क्लास है, वो आपकी थ्योरेटिकल बोर्ड वाली क्लास भी है और प्रीवियस ईयर वाली क्लास भी है, एक बार देख लेनी जरूर है आपको। यदि आप चाहते हो 30, 32, 35 तक नंबर यदि गेन करना चाहते हो हिंदी में, तो क्लास आपको देखनी जरूर पड़ेगी। क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अलंकार कितने भेद होते हैं बच्चों? एक होता है आपका शब्द अलंकार, एक होता आपका अर्थ अलंकार, एक होता आपका उभयलंकार। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, यार लव यह रे ले वे किस प्रकार के व्यंजन है? यह रे ले वे होते बच्चों आपके, ये होते अंतस्थ। क्या होते हैं? अंतस्थ। हिंदी में बच्चों व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी होती है? यदि बात करें व्यंजन कितने होंगे, 33 होंगे। यह रे ले वे अंतस्थ होते हैं, जबकि उसम में कौन से आते हैं? उसम का भी तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बड़ा से, पेट पटा से, छोटा से और है, ये कौन कहे आते हैं आपके? ये आते हैं उष्म व्यंजन में। स्पर्श व्यंजन कैसे मैं तक के होते हैं? 55 होते हैं, 25 टोटल कहलाते हैं। और अयोगवाह यदि पूछा जाता है कौन कौन से होते हैं? एक तो ए के ऊपर बिंदी और एक ए के पीछे अंग के पीछे दो बिंदी। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? स्त्रीलिंग बनाकर देख लो भाई, कृपया कर रहा है, स्त्रीलिंग नहीं है। वो मेरा मित्र है या वो मेरी मित्र है, ये भी स्त्रीलिंग में नहीं आने का, ठीक है जी। इसके बाद कृपया हो रही है, कृपया हो रहा है, चलो एक मिनट दोबारा देखो, निम्नलिखित में कौन सा शब्द स्त्रीलिंग? कृपया हो रही है या कृपया हो रहा है? सर हो रही है कृपया, भगवान की कृपया चल रही भाई, तो इसलिए पहला ही तो हो जाएगा, हम कहाँ आगे बढ़ रहे हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 स्त्रीलिंग होगा। क्वेश्चन नंबर 11, वचन किसका बोध कराता है? क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, प्राणी या वस्तु के एक या अनेक होने का। क्वेश्चन नंबर 12, उसने टेढ़ी चाल चली वाक्य में कौन सा कारक है? क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर डी, कर्ता कारक। कारक कितने प्रकार के होते हैं? एक नंबर पक्का है जी, 8 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? कर्ता ने कर्म को, रिवाइज करो बस, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान को या के लिए आपादान से आपादान होगा अलग होने की स्थिति में, जैसे पेड़ से पत्ते गिरते हैं। संबंध काकी के नानी ने रारी रे अधिकरण में या पर संबोधन हे अजी हो अरे। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से किस वाच्य में सर्वनाम का प्रयोग हुआ है? क्वेश्चन नंबर 13 का आपका राइट आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर बी, मैं कल दिल्ली जा रहा हूँ। सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के, जैसे कारक 8 प्रकार के थे आपके। कौन कौन से सर्वनाम? आपका पुरुषवाचक सर्वनाम, नंबर 2 निजवाचक सर्वनाम, नंबर 3 निश्चयवाचक सर्वनाम, नंबर 4 अनिश्चयवाचक सर्वनाम, नंबर 5 संबंधवाचक सर्वनाम, नंबर 6 प्रश्नवाचक सर्वनाम। इसमें क्या हुआ है बच्चों? इसमें सर्वनाम कौन सा है बच्चों? मैं, तू, आप, वह, जो, सो, कोई, कुछ और क्या, ये सभी क्या होंगे बच्चों? सर्वनाम के अंतर्गत ही आपके आते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, विशेषण किस शब्द की विशेषता बताता है? क्वेश्चन नंबर 14 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, विशेषण बताता है जी संज्ञा की विशेषता। क्वेश्चन नंबर 15, कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं?
क्रम के आधार पर क्रिया के भेद होते हैं कितने बच्चों? ऑप्शन नंबर डी, दो भेद होते हैं, पहला आपका सकर्मक और दूसरा आपका अकर्मक। अकर्मक और सकर्मक क्लियर है जी, दो होते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, व्याकरण में काल का क्या अर्थ है? क्वेश्चन नंबर 16 का आपका राइट आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर बी, काल का अर्थ है समय। इसमें बच्चों क्या होता है, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल, तीन काल होते हैं हिंदी में। भूतकाल के भेद कौन कौन से होते हैं बच्चों? सामान्य भूतकाल होता है नंबर एक, नंबर दो आसान भूतकाल होता है, नंबर तीन पूर्ण भूतकाल होता है, नंबर चार अपूर्ण भूतकाल होता है, नंबर पाँच संदिग्ध भूतकाल होता है, नंबर छः हेतुमद भूतकाल होता है। भूतकाल के कितने भेद थे? छः थे। बात करें वर्तमान काल के पाँच होते हैं और भविष्य काल के तीन भेद होते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, वह ताले की चाबी रेखांकित में कौन सा कारक है? ताले की में बताना है आपको कारक कौन सा है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, संप्रदान आपका कारक होगा। संप्रदान को या के लिए, ताले के लिए तो चाबी होगी ना, क्लियर है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? राइट आंसर बताना है आपको पुल्लिंग। भवदिया, दिव्या, साध्वी। भवदिया ये हो गया आपकी स्त्रीलिंग, पुल्लिंग होगा संचालक। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम शब्द नहीं है? क्वेश्चन नंबर 19 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, परख। परख आपका तत्सम नहीं है। तत्सम कौन सा होते हैं बच्चों? जो शब्द संस्कृत वाले होते हैं उन्हें तत्सम शब्द कहा जाता है। शोक, शोक आपका हो जाएगा, ठीक है जी, शोक हो गया आपका। पृथ्वी होगी, चंद्र हो गया, चंद्र, चंद्र इसलिए है तत्सम, चांद, चांद होता है तत्भव। पृथ्वी इसलिए है, पृथ्वी का पैमनिचर है होता पृथ्वी होगा। शोक का क्या होगा बच्चों? शोक होगा दुख, ठीक है जी। परक क्या होता है? परीक्षा। तत्भव होगा परक और परीक्षा होगा इसका तत्सम। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, किस विकल्प में सभी शब्द तत्भव शब्द है? क्वेश्चन नंबर 20 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, आग, जीव और घर। तत्भव बोले तो हिंदी वाले, ये पत्र होगा, ठीक है जी। इसमें सत्य हो गया, इसमें उच्च हो गया, उच्च हो गया। क्वेश्चन नंबर 21, दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प दूध का पर्यायवाची शब्द नहीं है? दूध का नहीं है पर्यायवाची, आपको बताना। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, अम्य। क्वेश्चन नंबर 22, सापेक्ष का उचित विलोम शब्द होगा? सापेक्ष का होता है आपका निरपेक्ष, ऑप्शन नंबर ए ही आपका राइट होगा। बात करें बच्चों परोक्ष आपका, इसमें एक आता है बार बार आता है आपका अपेक्षा। अपेक्षा का क्या होता है? उपेक्षा। क्लियर जी। अथ का होता है इति, करुणा का होता है बच्चों निष्ठुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, अंक शब्द के अनेकार्थी शब्द समूह का चयन कीजिए। अंक, क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, गोद, संख्या और अध्याय। राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी होगा। क्वेश्चन नंबर 24, अपराध बोध से होने वाली गलानी वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखिए। अपराध बोध से होने वाली गलानी, इसे क्या कहते हैं बच्चों? इसे कहते हैं पश्चाताप बोला जाता है। क्या बोला जाता है? अपराध बोध की होने वाली गलानी के लिए पश्चाताप होता है। जबकि अपने आप में जो खेद होना है उसे क्या बोलते हैं बच्चों? अपने आप में खेद को बोलते हैं आत्मग्लानी। क्लियर है जी। क्वेश्चन नंबर 25, चीर चीर के अर्थ के सही विकल्प का चयन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर होगा, चीर मतलब पुराना और इस चीर का मतलब वस्त्र। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, सम उपसर्ग से बना शब्द होगा? क्वेश्चन नंबर 26 का आपका राइट आंसर होगा संयोग, ऑप्शन नंबर ए ही आपका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 27, रंगीला शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? क्वेश्चन नंबर 27 का राइट आंसर होगा ईला पर, ऑप्शन नंबर डी, ईला, रंगीला। अन्य एग्जांपल क्या हो सकते हैं बच्चों ईला प्रत्यय से बनने वाले शब्दों के? पथरीला, खर्चीला, गर्वीला, लजीला। क्लियर है जी। क्वेश्चन नंबर 28, सूर्योदय में कौन सी संधि है? क्वेश्चन नंबर 28 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, गुण संधि। क्वेश्चन नंबर 29, शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 29 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उसे शिमला जाना है। क्वेश्चन नंबर 30, सज्जन शब्द में समास है? क्वेश्चन नंबर 30 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कर्मधारय समास।
समास के वेद कितने होते हैं बच्चों, छह मैं आपको बता चुका हूँ। क्वेश्चन नंबर 31, कायामनी के रचनाकार है, कायामनी के रचनाकार है कौन है, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए प्रसाद, क्लियर है जी, क्वेश्चन जयशंकर प्रसाद है पूरा नाम। पथ शब्द का उचित समानार्थी शब्द है, पथ का उचित समानार्थी शब्द आपको बताना है क्या होगा बच्चों, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा मार्ग। क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित में से शेरी तिकाल के कवि है, शेरी तिकाल नहीं बच्चों, निम्नलिखित में से रीतिकाल के कवि बताना है, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी वर्ण रीतिकाल के कवि है, जबकि तुलसीदास कबीरदास सूरदास भक्तिकाल के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्यारे बच्चों आज की क्लास हमारे यहीं पर समाप्त होती है, यदि आपको क्लास अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, थैंक यू।